आगे बढ़ेंगे। खबर भोपाल से है। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी है। आज कांग्रेस नेता हड़ताल में शामिल होंगे। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव भी इस हड़ताल में शामिल होंगे। आपको जानकारी दे दें, अपनी मांगों को लेकर लगातार हड़ताल पर कर्मचारी है। नियमितीकरण और बहाली समेत कई मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल जो है स्वास्थ्य कर्मचारियों की लगातार चल रही है। तो भोपाल से खबर, जहां संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल जो है लगातार चल रही है और ऐसे में जानकारी मिल रही है आज कांग्रेस के नेता भी इस हड़ताल में अपना समर्थन देते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री अरुण यादव भी इस धरना प्रदर्शन में आज शामिल होंगे स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ। वही और स्वास्थ्य कर्मचारी जो है नियमितीकरण और बहाली को लेकर तमाम इनकी मांगे हैं जिस पर अड़े हुए हैं और लगातार इनका प्रदर्शन चल रहा है। कुलभूषण सक्सेना ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी जुड़ गए हैं। कुलभूषण, लगातार इनका धरना प्रदर्शन स्वास्थ्य कर्मचारियों का चल रहा है और आज 13वां दिन है और ऐसे में आज कांग्रेस का भी समर्थन मिलते हुए नजर आएगा, और क्या जानकारी? देखिए, स्वास्थ्य कर्मचारी लगातार जो है संविदा अपने मांगों को लेकर आंदोलन पर है और कांग्रेस का समर्थन भी जो है संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को मिलता हुआ नजर आ रहा है। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी नियमितीकरण और वेतन वृद्धि की मांग को लेकर जो है डटे हुए हैं, सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं और आज पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव स्वास्थ्य कर्मचारियों के बीच पहुंचेंगे और वहां पर उनके इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। अब बिल्कुल कुलभूषण, तो आज कांग्रेस से भी साथ मिलता हुआ नजर आएगा इन स्वास्थ्य कर्मचारियों का, लेकिन ऐसे में इनका धरना प्रदर्शन जो है बढ़ता ही जा रहा है। अभी किसी तरह की जो बात है, वार्ता इनकी हो चुकी है सरकार की तरफ से, लेकिन कोई हल नहीं निकला। ऐसे में कुलभूषण, ये भी देखने को मिल सकता है कि इनका जो धरना है आने वाले दिनों में और लंबा हो सकता है। देखिए, मध्य प्रदेश में 32,000 स्वास्थ्य कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर जो है सरकार के खिलाफ है। ऐसी स्थिति में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जो है अभी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हैं और उनका यही कहना है कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी हम सरकार के खिलाफ आंदोलन करते हुए नजर आएंगे। अब देखने वाली बात होगी, जहां कोविड से लड़ने के लिए सरकार तमाम प्रयास कर रही है कि चौथी लहर मध्य प्रदेश पे दस्तक ना दे, और दूसरी तरफ जो संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हैं वो अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर डटे हुए हैं। अब बिल्कुल कुलभूषण, देखिए सवाल भी तो यही है कि जब एक तरफ चौथी लहर को लेकर पूरी तैयारियां केंद्र से लेकर राज्य तक हो रही है, ऐसे में प्रदेश में भी मुख्यमंत्री जो है लगातार अलर्ट है, स्वास्थ्य विभाग को हिदायत दे रहे हैं कि तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं वो आप पूरी कर ले पहले, लेकिन ऐसे में ये तस्वीर भी सामने आ रही है, ये स्वास्थ्य कर्मचारी इन्होंने यही इनके हाथ में ही जिम्मा होता है कि तमाम तरह की जो स्वास्थ्य सुविधाएं होती हैं उनकी देख रेख ये करते हैं, लेकिन इनके सुध लेने के लिए अभी कोई सामने नहीं आ रहा है। आने वाले दिनों में कुलभूषण, कहीं ना कहीं अगर ये भी कहा जाए कि जो तस्वीरें हैं वो बिगड़ती हुई भी नजर आएगी, क्योंकि अगर ये इसी तरह धरना प्रदर्शन देते रहेंगे तो तमाम जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं मध्य प्रदेश में चल रही हैं वो तो बाधित हो रही हैं, ठप पड़ी हुई हैं। देखिए, क्योंकि यहाँ पर परिजन और मरीजों को भी जो है परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, ऐसी स्थिति में अगर ये मांगे नहीं मानी जाती हैं तो कहीं ना कहीं सरकार और बीजेपी को 2023 के विधानसभा चुनाव में नुकसान हो सकता है, क्योंकि लगातार अलग अलग संगठन जो है सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, और वहीं संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी के साथ अन्य संगठन भी जो है उन्होंने मोर्चा खोला है। तो यहाँ पे जल्द से जल्द जो है आश्वासन और जो मांगे हैं उनकी सरकार वो मान सकती है। फिलहाल अगर बात की जाए तो यहाँ पे अनिश्चित काल हड़ताल पर जो है संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अभी डटे रहेंगे और कांग्रेस ने उनको समर्थन किया है। कांग्रेस ने कहा है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम आपकी मांगे जरूर पूरा करें। बिल्कुल बिल्कुल कुलभूषण, देखना होगा कि मांगे कब पूरी होंगी, और अब ऐसे में आज कांग्रेस की तरफ भी इनका समर्थन मिल रहा है। फिलहाल आप बने रहिएगा।